हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और हमारे साथ है रोहन, जिन्होंने स्कोर किया है 630 मार्क्स। कांग्रेचुलेशन रोहन, और बहुत थैंक यू बढ़िया सर। स्कोर है ये। और रोहन से जानेंगे कि मतलब कि कैसे इन्होंने पूरा का पूरा अपने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पे ही निर्भर रखा है, और फ्री में अनअकैडमी के फ्री जो क्लासेस मेरी होती है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, और भी एजुकेटर की होती है, वहां से पढ़ के इन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि रोहन 360 आउट ऑफ 360 लेके आए हैं बायो के अंदर फ्री क्लासेस के जरिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन, कैसा लग रहा है अभी आपको 630 मार्क्स आउट ऑफ 720? सर काफी सर अच्छा लग रहा है सर, काफी रिलैक्स फील हो रहा है अब तो सर, जब से अब रिजल्ट भी आ गया है सर। वैसे अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी पापा तो सर काफी खुश है सर, दिवाली गिफ्ट भी हो गया उनके लिए सर एक। अच्छा, बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट हो गया है कि बेटा अब डॉक्टर बनने वाला है। यस सर। ग्रेट, यस सर। गुड गुड गुड। तो रोहन, मतलब कि आपने फर्स्ट ड्रॉप में 450 नंबर आए आपके, सेकंड ड्रॉप में करीब 580, उस समय कोरोना कोविड हो गया था, थोड़ा आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, और थर्ड ड्रॉप में आपने इतिहास रच दिया। तो ये 3 साल का जर्नी बहुत बड़ा होता है, मतलब क्योंकि हम अगर कह दें कि 6 महीना आपको पढ़ना है तो आप इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो क्या कभी ऐसा लगा आपको इन 3 सालों में कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमें छोड़ देना चाहिए? सर जब मेरे 2 ड्रॉप पूरे हो गए थे, मुझे जो 3rd ड्रॉप मैंने स्टार्ट किया सर, तो मुझे सब बोलते थे कि तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कहीं चले जाओ, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाओगे घर पे। अच्छा, तो फिर मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि इस बार तो मुझे मतलब घर से ही करना है मतलब सब। फिर मैंने सर अपने आप को सर अलाइन किया, अपने वीक पॉइंट्स को देखा कि क्या क्या मैंने गलती की सर, और फिर मैंने सर आप मतलब स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। काफी सर मतलब मैं डिस्टर्ब भी रहा बीच में, कभी किसी ने बोल दिया कि घर से नहीं होगा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब इस बार तो करना ही है सर। तो फिर सर मैंने स्टार्ट किया, फिर काफी आपकी फ्री क्लासेस ली सर, उसमें सर जैसे मैंने सर स्टार्ट किया, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मतलब लैक फील हो रहा है मतलब बायो में या उसमें सर, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे टाइम जाता चलता गया सर, मुझे कॉन्फिडेंस भी आता गया मतलब। शुरुआत के दौर में थोड़ा सा लगता है कि नहीं yes, नहीं हो पाएगा, बट आप कंसिस्टेंसी की तरफ मेंटेन करेंगे तो हो जाएगा। yes, मैं sir. आपको बता दूं कि रोहन हमारे यूट्यूब चैनल को भी हमेशा देखते हैं, नीट निश्चय, नीट निश्चय से निश्चय। तो नीट निश्चय, जब आप डीमोटिवेट होते थे तो नीट निश्चय कैसे आपको हेल्प करता था? सर जब भी मैं सर बोरिंग फील करता था, काफी मतलब एग्जॉस्टेड फील करता था, मैं सर आपके चैनल से 1-2 वीडियो देख लेता था, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती थी सर वो 5 मिनट्स की सर, उसको फिर सर एनर्जेटिक फील करता था सर, फिर से मतलब फिर से स्टार्ट कर देता था अपने पढ़ाई को सर। क्योंकि यार मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप कंटिन्यूअस 8 घंटा लगातार 6 या 7 महीना पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारा चलता रहता है, कोई कोई आ जाए, क्या तबीयत खराब हो जाए, या बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि हम चाह के भी अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी लूप फॉल लगा ही रहता है। तो थैंक यू सो मच, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु गेट बेनिफिट फ्रॉम द नीट निश्चय चैनल, बहुत कमाल का चैनल है, और थैंक यू सो मच। अच्छा रोहन, शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रहा है इन 3 सालों में? सर मैं अगर वीक सब्जेक्ट की बात करूं तो सर मेरा मुझे लगता है कि बायो मेरा सबसे वीक रहा था सर स्टार्टिंग में सर। मतलब ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आपका वीक सब्जेक्ट बायो रहा है, और बायो में ही 360 आउट ऑफ 360। कैसे किया ऐसे, मतलब वीक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बना दिया कि पूरा फुल मार्क्स आ गए? सर मैं सर पहले सर कंसेप्ट पे काम करता था, मतलब पहले लेक्चर ले लिए, मैं जिस भी प्लेटफॉर्म से आपके लेक्चर ले लिया, फिर सर मुझे फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था सर, कोई भी बुक एनसीईआरटी बेस मुझे क्वेश्चन जहाँ मिलते थे मोस्टली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देता था सर उसमें बायो में सर। और सर जब मैं रिविजन कर सर जब मैंने रिविजन किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले किया और रिविजन बाद में किया सर। अच्छा, तो मुझे पता लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर क्या मतलब कहाँ मेरा लैक है किस चैप्टर में, तो
क्वेश्चन प्रैक्टिस में पहले करता था सर बाद में। हाँ, क्योंकि आप पहली बार मतलब कि फर्स्ट ड्रॉप ले चुके थे, सेकंड ड्रॉप ले चुके थे, तो यस आपको सर, यस सर, रियलाइज हो रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, उसे यस प्रैक्टिस सर, को प्रैक्टिस, एमसीक्यू से यस मतलब सर, किया जा सकता है, और एमसीक्यू के सहारे थ्योरी भी करा जा सकता है। ग्रेट, बहुत अच्छा यस सर, अप्रोच है, और इससे आप लोग सीख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी वीक हो, तो अगर आपने पढ़ा है तो उसे प्रैक्टिस से थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। फिजिक्स को कैसे यस आपने सर। इम्प्रूव किया, फिजिक्स को कैसे आपने पढ़ा? फिजिक्स के लिए मोस्टली मैं सर सेल्फ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई भी मतलब एनसीईआरटी नीट बेस्ड बुक परचेज करी सर, कोई भी यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख लिया फ्री सर, जो भी बहुत सारे सर फ्री लेक्चर्स हाँ, होते हैं आजकल सर। तो मतलब ऑनलाइन का जमाना है, आप तो मतलब कोई भी टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक का यस नाम सर, लिखिए और वीडियो चलना शुरू हो जाता है, तो यस कितना सर, यस सर, बढ़िया हो गया है। बट हम ये सब चीजों को ना, मतलब लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं, हम किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तभी हम डॉक्टर यस बन सर, पाएंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर आप अपने से जुड़ पाएंगे तो डॉक्टर बन यस गए, सर, तो अपने से जुड़ना यस सर, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी वीक लग रहा है, आप सीधा यूट्यूब पे डालिए, आजकल टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आप घर बैठे उस टॉपिक को इम्प्रूव कर सकते हो, और टॉपिक तो छोड़िए, पूरा सब्जेक्ट को इम्प्रूव किया जा यस सकता सर, आराम से कर सकते हैं यस सर। है। ओके, केमिस्ट्री कैसे, आप केमिस्ट्री का कौन सा बुक तो पढ़ते थे केमिस्ट्री के और लिए सर कैसे? मैं अनअकैडमी फ्री क्लासेस में सर सौरभ शर्मा सर के सर फ्री क्लासेस को देखता था, और उसके भी सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा मैं टेस्ट देने की मतलब प्रैक्टिस करता था सर। ओके, मतलब कि उनका लेक्चर लिए लिया, फिर टेस्ट बहुत सारा दिया, मतलब यस सर, यस बेसिकली सर, आपका वे ऑफ प्रिपरेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर था। आप बहुत ज्यादा यस सर, प्रैक्टिस कर चुके, आपने किया होगा, क्योंकि 2 साल आपने थ्योरी वोरी पढ़ा, आपका कंसेप्ट ठीक यस, था, बस उससे थोड़ा सर सा। उतना बेनिफिट नहीं हुआ सर मुझे, थ्योरी पढ़ पढ़ के सर बोर, मतलब बोर काफी बोर हो गया था सर मैं, फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के जरिए मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ सर। ओके, ग्रेट यस ग्रेट। सर, अच्छा, अगर एक लाइन में हमारे व्यूअर को कहना चाहें, जो फ्री में अनअकैडमी पे मेरे क्लास में आके पढ़ते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप कि मतलब कैसे उनको पढ़ना चाहिए? सर मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी सबसे मतलब पहले मेंटेन करें, ये नहीं कि मतलब एक दिन आप 8 से 10 घंटा पढ़ लिए, एक दो दिन फिर गैप कर दिया, पढ़े ही नहीं। कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सर। कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेट यस सर, जी, तो थैंक यू सो मच रोहन, आपके बताए हुए सारे वचनों को हमारे व्यूअर समझेंगे और अपने आप को और और इम्प्रूव करेंगे। जी। सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर मैं, सर अगर आप मतलब अपने टेस्ट के बाद अपनी कोई क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम नोटबुक कोई बना ले, मतलब जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको आप मतलब सेपरेट हर टेस्ट से पहले एक बार रिवाइज करके चले जाओ उसको, तो काफी अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हो सर। ग्रेट, ये अच्छा आइडिया है कि जैसे आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें आपके गलत कुछ क्वेश्चन हो गए, तो उसका यस सर, आपने नोटबुक में कर लिया, फिर नेक्स्ट यस टेस्ट सर, में अपियर होने के पहले उसको रिवाइज कर लिया, और फिर उस यस सर, टेस्ट में कुछ गलतियां हुई तो फिर से ऐड कर लिया, तो आपके पास यस सर, जो मिस्टेक की बुक क्रिएट हो जाएगी, एक कॉपी यस क्रिएट हो सर, जाएगी, और उसको बार बार दोहराएंगे नहीं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, यस ग्रेट, गुड यस सर, गुड। रोहन, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ थैंक यू सो मच कि आपके बताए हुए सारे चीज़ों यस सर, को हमारे थैंक यू लर्नर सर, और थैंक हमारे आने वाले जनरेशन फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू यू, सर। थैंक यू।